हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वो है क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, ओके, साथ में कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्या करते हैं, हम इसमें 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 डिवाइड भी, ताकि क्यों ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाए। कैसे, हमने किया इसमें 2 मल्टीप्लाई भी 2 डिवाइड, किसमें, इस पूरे टर्म में, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। ओके, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो, एक हमारा फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसके बराबर, साइन 2 थीटा के। आई होप आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में भी आया था ये। तो ये क्या होता है बेसिकली, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। ओके, तो यहीं पे देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1/2 है वो बाहर ले लेंगे हम, क्योंकि हमने ये वाला 2 यूज़ किया है, डिवाइड वाला 2 हम बाहर लिख देंगे। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, साइन 2 थीटा हमारा यहाँ पर क्या है, ए एक्स प्लस बी। ओके, इसको करना है इंटीग्रेट। अब सिंपली क्या करेंगे, हम थीटा को कर लेंगे टी पुट। ओके, तो हम बेसिकली पूरे को टी पुट करेंगे, 2 ए एक्स प्लस बी। ओके, तो सिंपली क्या करना है, लेट 2 ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। ओके, तो सिंपली ये कर लिया हमने, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 एज इट इज़ बाहर रहेगा, ए एक्स का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए आएगा, एक्स का 1 प्लस बी का 0, तो हमारा सिंपली डिफ्रेंशिएट क्या आ गया, 2 ए। ओके, और साथ में क्या आएगा, टी का जब करेंगे डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को अब इस तरह भेजेंगे तो क्या आएगा, 2 ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। ओके, अब एक बार यहाँ पर देखते हैं, हमारा क्या है, 1/2 इंटीग्रेट साइन 2 साइन 2 ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना था, टी, तो यहाँ पर भी लिख देंगे साइन टी डी एक्स। ओके, अब देखो इधर मेरा हमारा सिर्फ क्या है, डी एक्स, 2 ए तो नहीं है ना यहाँ पर, बट हमारा क्या रहा है, 2 ए, तो हम 2 ए को किधर भेज देंगे, इस तरह, क्योंकि हमें बस डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ओके, तो सिंपली यहाँ क्या करना है, डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 ए डी टी। ओके, अब डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1/2 ए डी टी यहाँ पर, तो क्या आएगा, 1/2, इसकी जगह आ जाएगा एक 1/2 ए साइन टी, और डी एक्स की जगह डी टी। ओके, डी एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/2 ए, तो 1/2 ए जो बाहर ले लिया मैंने, और डी टी को अंदर। ओके, अब सिंपली ये क्या हो गया, 1/4 ए एज इट मल्टीप्लाई कर दिया, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, माइनस का कॉस टी प्लस सी कॉन्स्टेंट, तो माइनस का 1/4 ए, माइनस मैंने बाहर ले लिया, कॉस एज इट इज रहेगा, टी को हमने क्या माना था, 2 ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा, 2 ए एक्स प्लस बी। ओके, एंड प्लस सी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, इसका दूसरा तरीका भी है, वो क्या है हमारा, कि इसमें से हम किसी एक टर्म को टी पुट कर लें, तो साइन ए एक्स प्लस बी को हम टी पुट कर लें, तो उसका डिफरेंशिएट हमारा डायरेक्ट कॉस ए आ जाएगा, और हम डायरेक्ट इसको कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका है, कॉस ए को, कॉस ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लो, तो आप कैसे भी कर सकते हो, और एक तरीका ये है। तो इसके 3 तरीके, कोई सा भी कर दो, एन सी आर टी में दे रखे वो हमारा इस तरीके से दे रखा है। ओके, बट जो मैंने बताया कि कॉस ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लो, ओके, और फिर सेम मेथड करो, तो वो भी सही है, बट तुम्हारा वो एन सी आर टी के सॉल्यूशन से मैच नहीं करेगा। तो अगर आपको ये बेस्ट लगता है तो ये कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।